नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्दी में काम करने वाला पैनल, जिन पैनल की वर्किंग अब सर्दी का मौसम चल रहा है, कौन कौन से पैनल है जिनकी वर्किंग सर्दी के मौसम में अच्छी है, जिसे आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आज मैं चारों पैनलों को दिखाऊंगा, आप वीडियो में अंत तक रहिए और देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम बात करते हैं बायोफिशियल पैनल की, ये नेक्सस सोलर एनर्जी का बायोफिशियल पैनल है दोस्तों। आज हम बुलंदशहर के ऑफिस में रहें, नेक्सस सोलर एनर्जी का ऑफिस है ये कंपनी का और यहाँ बुलंदशहर में है हम, और आज बात करते हैं हम बायोफिशियल पैनल की। पहले तो आपने देखा है मोनोपॉक सेल के साथ बना हुआ बायोफिशियल पैनल है, यानी दोनों तरफ से काम करता है पैनल, और इसका जनरेशन सर्दियों में, बरसात में, गर्मियों में, तीनों मौसम में दोस्तों अच्छा है। टाइप एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली तो है, लेकिन इसका जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है, सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो और आपका गर्मी का मौसम हो, तीनों मौसम में दोस्तों बहुत अच्छा जनरेशन है इस पैनल का। तो अगर आप पैनल परचेज करना चाह रहे हैं तो पैनल आपके लिए बेस्ट है, अगर घरेलू सिस्टम के लिए आप चाह रहे हैं। थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है, लेकिन आज की डेट में सबसे टॉप अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मोनोपर्क बायोफिशियल पैनल है। तो दोस्तों नंबर एक तो ये बात हो गई, अब दूसरा पैनल की हम बात करते हैं। अब जैसा देख रहे हैं ये आपका 48 वोल्ट में, आप देख रहे हैं 390 वाट है, और इस पैनल को हम रिक्शा पैनल भी बोल देते हैं। इस पैनल का भी जनरेशन चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे गर्मी हो, हर मौसम में अच्छा है। ये हाफ कट सेल के साथ है, मोनोपर्क में हाफ कट है, और इसमें 144 सेल है दोस्तों, इस पैनल के अंदर 144 सेल है। और इसको आप ई रिक्शा पे, या मैंने पहले भी कई वीडियो दिए जहाँ चार बैटरी की कोई चार्जिंग आपको करनी है, चार्जिंग का काम है, या किसी ई व्हीकल्स में आप यूज करते हैं चार बैटरी 48 वोल्ट, वहां इसको लगा सकते हैं, अपने घर के यूज में भी लगा सकते हैं जहाँ चार बैटरी का आपका सिस्टम है, चूंकि 48 वोल्ट पैनल है दोस्तों, इसकी भी उसी 80 से ज्यादा है, तो आप यहाँ इसे यूज कर सकते हैं। इसका जनरेशन भी तीनों मौसम में अच्छा है, चाहे बरसात का मौसम है, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है। आप अगर पैनल परचेज करना चाह रहे हैं अपने हिसाब से तो इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट थोड़ा सा बायोफिशियल पैनल से कम है, पर पैनल की जो टेक्नोलॉजी है वो बेस्ट है अपने आप में। ये सिंगल साइड पैनल है, एक तरफ से काम करता है। तीसरा हम पैनल की बात करेंगे, ये मोनोपर्क है, ये मोनोपर्क पैनल है दोस्तों, 380 वाट में है। आजकल कंपनी ने बंद कर दिया, पुराने मॉडल सभी है मार्केट में, अब 390 वाट में हाफ कट देने लगी हूँ, मैं भी आगे दिखाऊंगा आपको ये पैनल। इसका जनरेशन भी तीनों मौसम में आप ले सकते हैं, इसका जनरेशन भी सर्दी का जैसे मौसम चल रहा है, इसका जनरेशन भी अच्छा है। ये जो पैनल है दोस्तों, आप हम जो कंपेरिजन कर रहे हैं ये पोली पैनल से या नॉर्मल मोनो पैनल से बात कर रहे हैं हम, उनके अपेक्षा इनका जनरेशन 1.5 से 2 गुना हो जाता है सर्दी के या बरसात के मौसम में, जबकि पोली का जनरेशन गर्मी में तो ठीक आता है, सर्दी बरसात में बिल्कुल कम हो जाता है। इनका मौसम आपको 12 महीने बहुत अच्छा रहता है। और यह कंपनी ने नया पैनल लॉन्च किया है, यह हाफकट सेल के साथ है, इसमें 144 सेल है, लेकिन दोस्तों आप नॉर्मली पैनल की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे आप 24 वोल्ट का पैनल यूज करते हैं, 24 वोल्ट का पैनल है, और ये बीच में इसमें जो कंपनी का नाम दिया है आप देख रहे हैं जैसा कि बीच में दिया है इसमें, और ये 390 वाट का पैनल है, इसका जनरेशन भी अच्छा है सर्दी के हिसाब से, चूंकि हाफ कट टेक्नोलॉजी है, ये पहले नॉर्मली ये टेक्नोलॉजी आती थी, अब इसके अपेक्षा ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। रेट में थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन बायोफिशियल से ये इसका रेट थोड़ा कम है। आप चाहते हैं कि एक बजट में पैनल लेना तो आप मोनोपर्क हाफ कट ले सकते हैं 390 वाट में। इस पैनल का जनरेशन भी सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में, सारे मौसमों में अच्छा है। इनकी जनरेशन सारी है, सारी में ए ग्रेड का सेल है, सारी जो पैनल है सब में ए ग्रेड का सेल यूज है। तो अगर आप पैनल परचेज करना चाह रहे हैं दोस्तों तो आप कोई भी मोनोपर्क या बायोफिशियल पैनल परचेज कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर्दी के मौसम में सोलर पैनल का काम कम हो जाता है, जीरो हो जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सर्दी के मौसम में भी पैनल का काम पूरा होता है, बस 2-4 दिन वो छोड़ दो जहाँ बिल्कुल धुंध और कोहरा हो जाता है, सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं होते हैं, जहाँ हमारी जो एनर्जी का लिमिटेड स्रोत है सूर्य, जहाँ वो दर्शन ही नहीं होते उनके, तब एक अलग बात है। अगर कोल्ड बिल्कुल टेम्परेचर मान के चलिए आप माइनस में भी है और सूर्य सन दिख रहा है तो वहाँ आपका पैनल जनरेशन करेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगे करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो पैनल परचेज करने का मन बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर्दी में या बरसात में पैनल का जनरेशन कम है इसलिए हम सीजन में पैनल लेंगे। दोस्तों ये 12 मास काम करते हैं, हर सीजन इसका सीजन है। आप बिजली के बिल को और घटाना चाह रहे हैं, सोलर की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये वीडियो आपके मतलब की है। और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।